अब हम लोग देखेंगे रूस की क्रांति, जिसको हम लोग बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जानते हैं। आखिरकार इसका नाम रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्या है भाई, बोल्शेविक नाम क्यों पड़ा ये हम लोग जानेंगे। बोल्शेविक क्रांति यानी रूस की क्रांति आखिर क्यों हुई, कहीं भी लड़ाई होता है तो क्यों होता है, क्या वजह है, ठीक है। आखिरकार वहाँ राजा में कोई कमी थी, उसकी पत्नी में कोई कमी थी, या फिर क्या मामला था, इस मामला को पूरा समझेंगे हम लोग। सबसे पहले जान लें कि रूस में राजा जो होता है ना, शासक, उसको जार कहा जाता है। दिमाग में बैठा लीजिए, हर साल बाबू पूछता है कि रूस के शासकों को क्या कहते हैं, तो जार कहते हैं, ठीक है। बोतल वाला जार समझ रहे हैं ना, वही समझ जाइए, ठीक है। एकदम यहाँ का राजा बोतल ही था। देखिए 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, इसको रूस की क्रांति कहते हैं, इसको अक्टूबर की क्रांति कहते हैं, इसे नवंबर की क्रांति कहते हैं, जितना इसका नाम है सब पूछेगा, यही आपको लिखना है, समझिए। राजा का नाम था जॉर्ज निकोलस, निकम्मा था बेचारा, इसीलिए निकोलस याद रखना है, जॉर्ज निकोलस द्वितीय। पत्नी का नाम था जरीना, नाम इसका देखिए जरीना, यानी कबो ना जरी, समझ रहे हो ना, जरीना, यानी कि ये इतना जितना कि ये शासक निरंकुश नहीं था, उससे खतरनाक ही निरंकुश थी, ठीक है। ये तो प्रजा को हमेशा दुख में देखना चाहती थी, प्रताड़ित करना चाहती थी हमेशा, ठीक है। और इसमें एगो तथाकथित गुरु था, होता है ना राजमहल में एगो गुरु जी लोग होते हैं, जिनका नाम था राजपुतिन। मामला देखो क्या था, काहे आखिर रूस के राजा इतना निरंकुश बन गया, पता है राजा कब अच्छा होगा, जब पूरे प्रजा के कमियों को बताया जाएगा कि आपके प्रजा, यानी कि आपके पूरे प्रजा में, आपके इलाका में ये परेशानी है, यहाँ कोई बताने वाला था ही नहीं। और ये जो जरीना थी और राजपूत, ये दोनों के बीच अफेयर चल रहा था, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ रहे हो ना, वही दोनों के बीच अफेयर था, ये गुरुजी थे लेकिन अफेयर चल रहा था इनका, ठीक है। जब दोनों के बीच अफेयर चल रहा था तो राजपूतिन जितना सिखाता था, जितना निरंकुश वाला बात, बेकार बात सिखाता था, वो जरीना मानती थी। और जरीना मतलब जॉर्ज निकोलस द्वितीय को मजबूर करती थी अपने बातों में ला करके, अपने मीठी मीठी बातों में फंसाती थी, ठीक है। इस वजह से राजा निरंकुश का काम करता था, यानी कि वह लोगों को परेशान करना शुरू कर देता था। वंश कौन, किस वंश का राजा था, तो रोमनो राजवंश, याद रखिएगा। ये पूछा जाए कि जॉर्ज निकोलस द्वितीय किस वंश का राजा था, तो रोमनो राजवंश का था। अब बात आता है कि क्रांति का क्या कारण था। एक बात देखिए, लड़ाई झगड़ा का एगो कारण ना होता है, कैसे, लोग कहते हैं कि देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, कब तक बर्दाश्त करेंगे, एक गलती करेगा, दो गलती करेगा, तीन चार पाँच, जब बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगा तब लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं और उस समय लोग क्रांति कर देते हैं। राजा के साथ भी यही हुआ, सेम घटना, एक दो आदमी के साथ वो बुरा व्यवहार किए, बर्दाश्त लोग करते रहे, लेकिन जो पूरी प्रजा के साथ वो दुर्व्यवहार करने लगे तो उसके बाद से प्रजा बर्दाश्त नहीं की और बेचारे को मारपीट करके भगा दी, देखिएगा कैसे, यहाँ समझिएगा। क्रांति का कारण, सबसे पहले तो ये अयोग्य थे, अपने तो कुछ जानकारी था नहीं, खाली पत्नी और राजपूतिन के चढ़ावे में कर रहे थे, ये दोनों का तो सेटिंग था, ठीक है। तो ये जो कहता था वो क्या कर, जरीना कहती थी, या जरीना दबाव देती थी अपने हस्बैंड यानी राजा के ऊपर, जॉर्ज निकोलस द्वितीय के ऊपर, ठीक है। अयोग्य शासक तो इसीलिए निरंकुश बन गया, पढ़ा लिखा नहीं। किसानों की दयनीय स्थिति, किसानों की पूर्ण रूप से एकदम दयनीय स्थिति हो गई, भूखमरी की स्थिति आ गई। एक था बेचारा कृषि दासता समाप्त किया, यानी कि कृषक जितने भी किसान लोग थे उनको दास बना के रखा जाता था, अपने घर में जबरदस्ती काम कराया जाता था। तो दास प्रथा को 1861 में जॉर्ज अलेक्जेंडर ने खत्म कर दिया, ठीक है। ये बेचारा आया, खत्म किया, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। चलिए मान लीजिए कि आप किसी के यहाँ नहीं जाइएगा, ये कह दिए कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है काम करने, तो फिर भाई खाना कहाँ से मिलेगा, जो एक टाइम का भी मिलता था वो भी ना मिलेगा। और किसानों के पास उतनी जमीन भी नहीं थी, अपना नहीं बचा हुआ था कि उसमें वो काम करे, नया तरीका से काम करके बहुत ज्यादा अनाज उग जाए, ठीक है। उनके पास थोड़ा मोड़ा जमीन था, जो घर वगैरह वो लोग बना लिए थे, जमीन कुछ था नहीं, तो इससे कुछ खास स्थिति में सुधार नहीं था। और भूखमरी जब चरम सीमा पर थी तो किसानों के पास क्रांति के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, ठीक है। वो राजा से हेल्प तो नहीं मांग रहे थे, इसलिए क्योंकि राजा खुद निरंकुश था, क्योंकि बैठा था कौन, राजपूतिन, ठीक है। ये जरीना को चढ़ाएगा, जरीना अब मान लो कि प्यार मोहब्बत के जाल में इनको चढ़ा देती थी। अब देखिए, पहला तो ये गुस्सा, किसानों का स्थिति बुरा हो गया था, दूसरा मजदूरों का भी स्थिति बुरा था, काम खूब करवाते थे, पैसा देते ही नहीं थे ये लोग, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, मजदूरों में भी गुस्सा भड़का हुआ था, तो मजदूरों की भी दयनीय स्थिति, दो आदमी तो गुस्सा हो गए, 10-12 आदमी जब ऐसे ही वर्ग गुस्सा होगा तो क्रांति करेगा जरूर। यहां देखिए,
मार्क्सवादी मार्क्स ने कहा था कि जब तुमको वो मजदूरी नहीं दे रहा है तो तुम उससे लड़ाई करो। आखिरकार तुम जब लड़ाई करोगे तो तुम्हारे पास क्या है खोने के लिए? तुम अगर खो सकते हो तो अपने पैरों की बेड़ियों को खो सकते हो। इसका मतलब अगर तुम लड़ोगे हारोगे तो कुछ तो जाएगा नहीं तुम्हारा, तुम्हारे पास कौन सा संपत्ति है। अगर जीत गए, गलती से भी जीत गए, तो समझिएगा कि आप अपने पैरों की बेड़ियों को खो दिए और आजाद हो गए। ठीक है, गरीबों के पास होता क्या है, मिडिल क्लास फैमिली के पास होता क्या है, कुछ ज्यादा से ज्यादा क्या खो सकता है? जिसके पास कुछ खोने के लिए है उसको ना डर रहेगा। अब देखिए, रूसीकरण की नीति एक और वजह था क्रांति का कि राजा को भागना पड़ेगा। राजा वहां का, रूस का राजा जबरदस्ती अपना भाषा तोड़ता था। देखिए, रूस उस समय सोवियत रूस था। ठीक है, सोवियत रूस का मतलब सभी बहुत सारे उसमें कंट्री वगैरह, बहुत छोटे छोटे कंट्री मिले हुए थे, तो हर कंट्री में अलग अलग भाषा होगा। लेकिन रूस का राजा कह रहा था, ठीक है आपका भाषा अलग है लेकिन है तो आप लोग रूस में, तो जो हम बोलेंगे वो करना है, आप सबको रूस का भाषा बोलना है, रूस की संस्कृति को अपनाना है, रूस में जितने भी पर्व त्यौहार है वो सब मनाना है, अपना पर्सनल त्यौहार को छोड़ देना है। तो फिर मामला तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, हम अपनी संस्कृति को क्यों छोड़ें? इसके वजह से एक व्यक्ति इसका विरोध भी किया था जिसका नाम था पोलो। क्या नाम था? 1863 में बेचारा विरोध किया, लेकिन इस बेचारे के साथ क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। रूस के राजा या फिर राजपूतीन ने क्या साजिश करके इसको मरवा दिया या क्या किया, इसके बारे में कोई खास खबर नहीं मिला। यानी इसका दमन किया गया था, पूर्ण रूप से इसको मार दिया गया था। अब समझिए, इतना हो गया। एक और वजह, अब देखिए, जब इतना बुरा स्थिति को देखा गया कि बाप रे बाप ये तो कितना निरंकुश है, तब वहाँ कुछ बुद्धिजीवी लोग, ज्ञानी लोग आए। ठीक है, और उन्होंने अपने किताब लिखा, और उस किताब क्यों लिखा जाता था? ताकि कोई लोग पढ़े और लोग पढ़ के उसमें से नॉलेज लेके, अरे बाप रे रूस में इतना खतरनाक नीति है। ठीक है, तो लोगों के अंदर गुस्सा आएगा वो पढ़ करके। तो यहाँ मार्क्सवादी प्रभाव, एक चीज़ याद किया, कार्ल मार्क्स के प्रभाव से ही रूस में बदलाव आया था, क्योंकि कार्ल मार्क्स इतना खतरनाक मोटिवेट करते थे, इतना बिजोड़ समझाते थे कि अंदर गुस्सा आ जाता था, लंगड़ा भी दौड़ के एकदम क्रांति करने के लिए तैयार हो जाए, इतना खतरनाक मोटिवेशन पर कार्ल मार्क्स के पास था। उन्हीं के विचारों से प्रभावित कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने देखो क्या किया। लियो टॉल्स्टॉय थे, इन्होंने वार एंड पीस एक किताब की रचना की। ठीक है, वॉर एंड पीस, ठीक है, वॉर के बारे में। ठीक है, रूस का प्रथम साम्यवादी पलेखनोवा, एक साम्यवादी था रूस का, ये भी कार्ल मार्क्स से प्रभावित था। ठीक है, ये भी उनका चेला ही था पलेखनोवा। रूस का प्रथम साम्यवादी कौन है तो आप याद रखिएगा, पलेखनोवा। इन्होंने एक संगठन बनाया, उस संगठन का काम था जॉर्ज के खिलाफ क्या करना, क्रांति करना और सभी लोगों को एक करना, ताकि लोग मिलकर के क्रांति करेंगे और फिर रूस के राजा को हटाया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने एक संगठन, देखिए, रशियन डेमोक्रेटिव पार्टी की स्थापना की 1898 में। ठीक है, 1898 में सभी जितने भी मध्यम वर्ग के लोग थे, मिडिल क्लास, गरीब, मजदूर, ठीक है, ये सब लोगों ने मिल करके, उसमें हेड कौन था, पलेखनोवा था, इन्होंने रशियन डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कर दी। ये पार्टी बहुत अच्छा से चल रही थी, जॉर्ज के खिलाफ पूरा क्रांति कर रही थी, लेकिन अपने में ही लोग बाद में लड़ लिए। यही वजह है, कोई भी क्रांति भंग होता है जब अपने में लड़ जाओगे ना, तो फिर दूसरे को कैसे हराओगे जिसको हराना है। तो यहाँ पे वही तो हुआ, 1898 में ठीक स्थापना हो गया, लेकिन 5 साल तक चला, और 5वां साल यानी 1930 में ये पार्टी भंग हो, पार्टी दो हिस्सा में टूट गई। ठीक है, अब दो हिस्सा में टूट गई तो देखो, दोनों आदमी अच्छे थे, दोनों पार्टी के लोग अच्छे थे, लेकिन एक पार्टी कह रहा था कि देखो हम लोग ना सबके लिए लड़ रहे हैं, सभी वर्गों के लिए, गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, जितना भी है सबके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एगो पार्टी था, वो कह रहा है अमीर खातिर तू काहे लड़ रहा है, अमीर हम लोगों को का दिया है। ठीक है, अमीर के लिए नहीं लड़ना है हम लोगों को, सिर्फ गरीबों के लिए लड़ना है, मध्यम वर्ग के लिए लड़ना है। तो बताइए, एगो पूरा के लिए लड़ रहा था, तो पूरे लोगों के लिए लड़ना सर्वहारा वर्ग यानी सभी वर्ग के लिए, एगो सिर्फ मध्यम वर्ग के लिए लड़ रहा था। तो जनसंख्या किसका ज्यादा होगा, जिसमें सभी लोग आएंगे, तो सभी लोग आएंगे तो उसे सर्वहारा वर्ग की जनसंख्या ज्यादा थी, और एक और मध्यम वर्ग था इसकी जनसंख्या कम थी। तो जिसकी जनसंख्या कम थी वो पार्टी बाद में खत्म हो गया, उस पार्टी का नाम था मेन सेविक, बोल सेविक नहीं, कम जनसंख्या वाला जो मध्यम वर्ग का सपोर्टर था, ठीक है, उसका मेन सेविक नाम था, यह बेचारा खत्म हो गया। अब मेन पार्टी चला बोल सेविक, एक दो हिस्सा में टूटा, एक बोल सेविक, एक मेन सेविक। ज्यादा सर्वहारा वर्ग यानी सभी वर्गों का समर्थन बोल से भी करता था, और थोड़ा जो मध्यम वर्ग थे वो मेन से भी खत्म हो गया, बच गया बोल से भी। ठीक है, बोल से एक में सर्वहारा वर्ग सभी वर्गों का विकास चाहता था। ठीक है, अंत में यही क्रांति, रूस की क्रांति को बोल से भी क्रांति के नाम से जाना जाएगा।
यही क्रांति आगे बढ़ा 1901 में लोगों ने सभी लोगों ने मिल करके एक सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी एक और पार्टी बनाई जिसमें सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी यानी कि क्रांति के बारे में पूरे समाज मिल करके 1901 में क्रांति का एक पार्टी बनाया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए कई गो कारण है, यहाँ पे कुछ दिमाग दे करके पार्टी की स्थापना हुई ताकि लोगों को एक करने का। एक सबसे बड़ा कारण विदेशी घटना। देखिए हुआ क्या, रूस अपने आप को रूस का राजा बहुत ही मतलब महान समझता था और वो हमेशा लोगों को बेवकूफ बना के चलता था कि देखो हम बहुत ताकतवर है, दुनिया की कोई ताकत हमसे नहीं जीत सकती। लेकिन मामला पकड़ा गया उसका झूठ। जब तुम कहीं नहीं जीत सका तो जितना बार रूस लड़ाई किया दूसरे देश से हारते गया। लोगों को सोचा ये खाली अपने देशों में अपना तारीफ करता है, दूसरा जगह से हार के आ रहा है। ठीक है, ये हम लोगों को ही बेवकूफ बना रहा है। जब विदेशी लड़ाई हो रहा था, विदेशी घटना, तो क्रीमिया के युद्ध में रूस हार गया। लोग समझे अच्छा तारीफे कर रहा था तो हार कैसे गया भाई, 1854 में क्रीमिया का युद्ध हुआ उसमें हार गया, रूस की पराजय हो गई। लोग बर्दाश्त कर लिए। अगली बार फिर एक बार रूस और जापान, जापान बहुत ही छोटा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, तो भाई हर जगह जीतना चाहिए ना, बहुत बड़ा है तो। लेकिन एक छोटे से देश से क्या हुआ, जब रूस हार गया तब लोगों का दिमाग खोला, रे गधा तू हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, खाली हम लोगों के मुंह पर अपना तारीफ कर रहा है और तू हर जगह से हार, एगो छोटका देश से हार गया तू बताओ। ठीक है, जब रूस की पराजय हुई तो वहाँ की जनता बड़ी गुस्सा हुई कि हर जगह से हार के आ रहा है। और गुस्सा होगी क्यों नहीं, जब रूस की राजा जब रूस का हारेगा तो उसमें सैनिक कौन होंगे, गाँव देहात के ही ना लोग होंगे। ठीक है, तो जब पूछा गया कि इतना बड़ा रूस है आखिरकार काय हार गया, तो बोला कि कैसे लड़ेंगे, लाठी डंडा से लड़ेंगे, वहां हथियार है ही नहीं, खाली राजा तारीफे करता है कि हमारा सास हमारा सैनिक बहुत मजबूत है, सब भूखे मर रहा है तो पेट में रहेगा अन्न तबे ना लड़ने में लगेगा मन, तो लड़ने का तो मन कैसे लगेगा, पर भूखे कोई थोड़े लड़ेगा, खाली पेट तो दिमाग भी काम नहीं करता है, दिमाग की बत्ती कहां से जलेगी, कैसे लोग स्ट्रांग बनेंगे। तो वहां पे सैनिकों को लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, भूखमरी थी, खाना नहीं था कि खाना खा के लड़े, इस वजह से तब लोगों के अंदर गुस्सा आया। ओ एक तो चोटा यहाँ पे ही का कर रहा है कि हम लोगों को परेशान कर ही रहा है, वहाँ सैनिक को भी सही से खाना पीना नहीं दे रहा है, तो लोगों के अंदर गुस्सा है क्योंकि बेरोजगारी थी। और जब भी लड़ाई होता है ना तो पूरा देश बर्बाद हो जाता है, भूखमरी में आ जाता है, क्योंकि पूरी देश की ताकत मिल के लड़ रही होती है, तो बताइए कि देश में भूखमरी आएगा ही आएगा। और इस हिसाब से हुआ क्या कि सभी लोगों ने राजा के खिलाफ अब क्रांति किया कि अब सब लोग मिल करके चलते हैं, ये काहे ऐसा कर रहा है, खाली दूसरे के तरफ ध्यान आकर्षित करा रहा है, हम लोगों को क्या कर रहा है, लड़ा रहा है, हम लोगों के घर के सैनिकों को लड़ा रहा है, उन लोगों को खाना तक नहीं दे रहा है और अपने देश में भी अकाल पड़े, दोनों जगह बुरा स्थिति है। तो सभी लोगों ने मिल करके रूस के राजा के तरफ एकदम पूरा रोटी दो के नारे, यानी भूखमरी तो पूरा आ गई थी रूस में, रोटी दो के नारे लगाते हुए और उस राजा के तरफ जा रहे थे। उस राजा के महल था सेंट पीटर्सबर्ग, उसके महल के तरफ, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस महल के तरफ रोटी दो के नारे लगाते हुए जा रहे थे, तो सेंट पीटर्सबर्ग महल के तरफ जा रहे थे। तब तक राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, याद रखिएगा सैनिक को गोली चलाते समय बहुत तकलीफ हुआ था क्योंकि वो सैनिक तो उसी गांव देहात के थे ना जहां पे प्रजा आंदोलन कर रही थी, आदेश दिया कि सबको गोली से उड़ा दो। और उसी समय वो दिन संडे था और संडे के दिन सभी लोग छुट्टी पर थे और वो लोग जा करके रूस के खिलाफ आंदोलन कर रहे, रूस के राजा के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन जब कर रहे थे, आंदोलन के समय रूस के राजा के सैनिकों ने पूर्ण रूप से गोलियां चलवा दी, वह दिन संडे था और उसी दिन को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। दिन कौन सा था, यानी आपको लिखा है 22 जनवरी 1905, ये नया कैलेंडर के हिसाब से है, जूलियन कैलेंडर नहीं ग्रेगोरियन है, और ये 9 जनवरी पुराने कैलेंडर ओल्ड कैलेंडर के हिसाब से 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार हुआ। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग महल के तरफ लोग आंदोलन करते जा रहे थे, रूस के सैनिकों ने उन पर गोलियां चला दी, बेचारे कई कई हजार निहत्थे लोग। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि जरीना के जो पति देव थे यानी कि रूस के राजा जार निकोलस द्वितीय, उनका अंत कैसे हुआ, और जैसे ही उनका अंत हुआ तो फिर रूस में किसकी सरकार आई, और जब रूस में सरकार आई फिर यहाँ लेनिन कौन था, लेनिन के बारे में हर बार पूछता है, फिर बोल्शेविक क्रांति पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा। जैसे ही रूस का राजा यहाँ से गद्दी छोड़ के भागेगा, समझिए बोल्शेविक। अच्छा बताइए, मेंशेविक तो खत्म हो गया था, दूसरा वर्ग में सर्वहारा वर्ग में
में एक बोल्शेविक था, तो बोल्शेविक क्रांति यानी होगा यहाँ पे बोल्शेविक लोगों द्वारा रूस के राजा को हटा दिया जाएगा। यहाँ समझिएगा पहले वो कैसे भागा, भागा क्या, लोग ने मार के भगा दिया उसको, दौड़ा दौड़ा मारा कैसे, यहाँ समझिएगा। प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय, यहाँ समझिएगा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था यानी प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय पूरी रूस की जनता में गुस्सा थी राजा के प्रति, क्योंकि उससे पहले खूनी रविवार हुआ था, ब्लडी संडे, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाया था, वो गुस्सा जनता के अंदर अभी थी, ठीक है। लेकिन रूस के राजा ने दिमाग लगाया कि अभी भी जनता गुस्सा है, एक काम करते हैं, इसके मन को भटकाते हैं, इसको बेवकूफ़ बनाते हैं। कैसे, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय सभी सैनिकों को जबरदस्ती, मतलब कि सभी सैनिकों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भेज दिया। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भेज दिया तो रूस की जनता के दिमाग में एक चीज़ सेट हो गया, यानी कि फिर से हमारे यहाँ के सैनिक कहाँ चले गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। अब सारा ध्यान उन लोगों का प्रथम विश्व युद्ध पर हो गया। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसमें भी जाके रूस आ गया, रूस माने इतना करमफोर था कि समझिए तो जिस युद्ध में पैर रख रहा था युद्ध को हार जाता, अब लोगों को गुस्सा आ गया था कि हम लोग को ध्यान भटकाने के लिए उधर ले गया था, वहां से भी तो हार गया। जब लोगों को यह बात पता चला कि रूस प्रथम विश्व युद्ध में हार गया तो लोगों ने विद्रोह कर दिया, फिर रूस में बहुत बड़ी भूखमरी आई और लोगों ने फिर नारे लगाना शुरू कर दिया, रोटी दो के नारे। और फिर वैसे ही जॉर्ज ने क्या किया कि अपने सैनिकों को आदेश दिया, कि इन पर गोलियां चलाएं, जिस तरह खूनी रविवार में आदेश दिया था और सभी सैनिकों ने जनता पर गोलियां चला दी। लेकिन इस बार वो जनता पूरा का पूरा सैनिक समझ रहा था कि हम किस पर गोली चलाएंगे, वो सब मेरे अपने ही हैं। वो उल्टा ही राजा के खिलाफ आंदोलन कर दिए, पूरा का पूरा सैनिक राजा के खिलाफ आंदोलन कर दिए, यानी कि बेचारा जिस पर वो भरोसा करता था अपने सैनिकों पर राजा, उसका राजा, उस सैनिक ही उसका साथ छोड़ दिया। अब देखिए यहाँ पे निष्कर्ष की रूस की हार हुई, हार क्यों हुआ, तो कारण यह था कि ना उनके पास हथियार था प्रथम विश्व युद्ध में, ना उनके पास पर्याप्त भोजन था, इस वजह से हार हो गया। अब देखिएगा जॉर्ज निकोलस द्वितीय का अंत कैसे होता है, उनकी सेना भी इनके खिलाफ चली गई है अब, ठीक है। जब सेना खिलाफ चली गई, आंदोलनकर्ता कौन कौन थे, मजदूर थे, किसान थे, यही लोग, और सैनिक भी थे, कौन थे, सैनिक लोग, ये लोग भी साथ छोड़ दिए। अब राजा को अब रहा नहीं जाएगा, जब पूरा का पूरा रूस राजा के खिलाफ हो गया, जब राजा के अपने ही आदमी राजा के खिलाफ हो गए, तो 7 मार्च 1917 यानी पुराने कैलेंडर के हिसाब से इस समय वो क्रांति हुई थी, और जुलूस कहाँ निकला था, पेट्रोग्राद में। इस पेट्रोग्राद को लेनिनग्राद भी कहते, इसके सड़कों पर लोग जुलूस निकाले थे, और महिला 8 मार्च 1917 को ये भी इस आंदोलन में शामिल हो गई, महिला भी आंदोलन में शामिल हुई, बस और ये आंदोलन उग्र हो गया। जब ये और आंदोलन उग्र, नारा क्या था, रोटी दो, और जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने वही आदेश दिया था आपको। और एक चीज़ ध्यान से सुनिए, यहाँ लिखा है कि जो रेजिमेंट यानी जो सैनिक उनका आंदोलन में क्या कर, जो सैनिक राजा के खिलाफ हो गए थे, उस सैनिक पूरे रेजिमेंट का नाम था, देखो, प्रेवो ब्रासेस्की रेजिमेंट। ये एक चीज़ याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि राजा की सबसे प्रिय रेजिमेंट था, यानी सैनिक लोग थे जो कभी भरोसा नहीं तोड़ते थे, इस बार वो लोग भी इसी राजा के खिलाफ हो गए थे, उसका नाम क्या था, तो प्रियो ब्रासेस्की रेजिमेंट, इन्होंने भी आंदोलन कर दिया राजा के खिलाफ, और 12 मार्च 1917 को बेचारा राजा अपनी गद्दी त्याग दिया, और इस पुराने के हिसाब से 27 मार्च हो जाएगा, और उस समय गद्दी त्याग करके और वहां से भाग गया, ठीक है। रोमनो वंश, राजवंश का क्या हो गया, अंत हो गया। अब जब मान लो कि वहां का राजा का अंत, जॉर्ज निकोलस द्वितीय कितना कब भाग गया जी, 12 मार्च 1917 एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा, उस समय भाग गया, तो चलाने के लिए रूस को कोई फिर शासक चाहिए ना, तो बुर्जुआ सरकार की गठन हुई, इसमें मिडिल क्लास के लगभग लोग थे, लेकिन ये भी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली। 15 मार्च 1917 को देखिए, 12 मार्च को वहां से राजा भागा, ठीक 3 दिन बाद नया सरकार बन गया, 15 मार्च को नया सरकार बन गया। अब ये नया सरकार फिर भी ज्यादा दिन तक नहीं चली, और उदार समाजवादी की सरकार फिर एक दूसरा सरकार बना, जब ये बुर्जुआ सरकार भी गई, इसका नेतृत्व केरेंस्की करता था, लेकिन ये भी सरकार गिर गई, यानी कि जॉर्ज निकोलस द्वितीय के हटने के बाद 2 सरकार बनी, बुर्जुआ की सरकार 15 मार्च को और केरेंस्की की सरकार बनी, और फिर ये भी सरकार गिर गई। अच्छा सरकार थी, अच्छा मकसद लेके चल रही थी, ठीक है, लेकिन इसमें बोल्शेविक लोग जो लोग थे, ठीक है, बोल्शेविक लोग अच्छा नहीं लगा इनकी सरकार, बोले कि नहीं केरेंस्की नहीं रहेगा, अच्छा से शासन नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बोल्शेविक को तकलीफ होने लगी, नहीं बोल्शेविक में कोई नहीं है भाई, केरेंस्की क्यों रहेगा, इसका मुद्दा लाख अच्छा हो, लेकिन इसमें कुछ खामियां थी, इसके बाद से बोल्शेविक
फिर उन्होंने बोला अब हम सरकार बनाएंगे। तो बोल्शेविक का एक मेन लीडर था जिसका नाम था लेनिन, वो आया पहले वो कहाँ था, उस जीवन स्विट्जरलैंड में बिता रहा था, ठीक है, लेकिन वहाँ से आया जर्मनी की सहायता से रूस आया, और वहाँ आने के बाद से पेट्रोग्राद पहुँचा कब, अप्रैल 1917 में, और बोला सुनो ये चला गया ठीक है लेकिन क्या क्रांति पूर्ण हो गई, इसी को कहते हैं बाबू एक चीज़ याद रखिएगा, इसी को मार्च की क्रांति भी कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा फरवरी या मार्च, तो देखिए रूस का राजा तो मार्च में चला गया था, रूस तो मार्च में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से आज़ाद वो अक्टूबर में हुआ, ठीक है। जब ये राजा चला गया तो उसके बाद से अपने में ही लोग राजतंत्र के लिए लड़ रहा था कि हम राजा बनेंगे तो हम राजा बनेंगे, ठीक है, सबका मुद्दा था अपने लिए कि हम किसी तरह राजा बन जाए, ठीक है, नहीं तो मार्च में ही ये पूर्ण रूप से क्लियर हो चुका था कि रूस आज़ाद हो चुका है। उसके बाद से जब ये महोदय है तो बोले नहीं नहीं, आ करके लेनिन बोले अभी कहाँ आज़ाद हुए, अभी तो हम हैं ही, चलो क्रेंस्की हटो, तुम क्रेंस्की को वहाँ से क्या किया हटा दिया और खुद अपनी सरकार बनी। क्रेंस्की के सभी चीज़ों पर, सरकारी चीज़ों पर, जैसे बैंक में, रेलवे, पूरे का पूरा यहाँ जा करके कौन कब्जा कर लिया, लेनिन कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद से वही बोल्शेविक क्रांति पूर्ण रूप से सफल हुई, कब्जा के नवंबर में, जिसको अक्टूबर 25 अक्टूबर पुराने कैलेंडर के हिसाब से और 7 नवंबर नए कैलेंडर के हिसाब से पूर्ण रूप से क्या हुई, वहाँ पर क्रांति, रूस की क्रांति पूर्ण हुई। अब बोल्शेविक क्रांति पूर्ण होने के बाद उसके अध्यक्ष लेनिन बना और अपना विदेश मंत्री ट्रॉट्स्की को बनाया, ठीक है, यानी फिर से गरीबों के हाथ में, सर्वहारा वर्ग के हाथ में रूस की सरकार आ गई और ये लोग खुशी खुशी रहने लगे। और लेनिन जब इसके अध्यक्ष बना तो नया नया नीति दिया जिसको नई आर्थिक नीति कहते हैं, जिसमें किसानों का बिल माफ़ किया, ठीक है, किसानों को पूर्ण रूप से व्यापार करने के अधिकार दिया, अपने रूस को वो शोषण मुक्त बनाए, पूंजीपतियों को किसी प्रकार के दबदबा को अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ऐसा ऐसा नियम नया नया वो लगाया, 1921 में नई आर्थिक नीति लगाया बहुत सारे चेंजिंग के बाद, अंततः यानी कि 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई। बेचारे इसी के द्वारा, यानी यही बोल्शेविक का नेता था, मेन नेता यही था जो दो हिस्सा में टूटा था उसका यही नेता, और आखिरकार इसी के द्वारा, क्योंकि इसका मकसद अच्छा था, दिल साफ था कि हम सर्वहारा वर्ग, यानी कि अब सरकार किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं, जनता के हाथ में आना चाहिए, यानी सर्वहारा वर्ग के हाथ में आना चाहिए। इसीलिए क्या हुआ, 7 नवंबर 1907 को पूर्ण रूप से, ठीक है, क्रेंस्की की सरकार को गिराया और उसके बाद से बोल्शेविक क्रांति पूर्ण हुई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ये लेसन होता है कंप्लीट, बहुत ही ज़बरदस्त लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 3 लेसन। हर चैप्टर वाइज नोट्स बनाते चलेगा, आप अगर खुद से हैंड रिटेन, मतलब हाथ से अगर नोट्स लिखेंगे, अगर इसमें से देख कर कभी, तो आपका SST में गारंटी है कि अगर प्रैक्टिकल भी बहुत अच्छा स्कूल से मिलता है तो आप 97 या 98 नंबर इजिली ला सकते हैं SST यानी सामाजिक विज्ञान से। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले लेसन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।